हेलो फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है इसलिए मैं आपको नए लेसन नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको कृष्ण भगवान की एक पेंटिंग बताऊंगी, नटखट कन्हैया की। आई होप कि आपको पसंद आए। आपको इसके लिए पेन, पेंसिल और स्केल की ज़रूरत होगी। आप पहले आउटलाइन कर लेंगे बॉर्डर लाइन के लिए बनाने के लिए। आप पहले आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको जो पेंटिंग बनानी है वो भी आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आप फाइनल पेन से बनाएंगे। जैसे आप स्केल के हेल्प से आप आउटलाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर आप बॉर्डर लाइन बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ यहाँ बॉर्डर बनाएंगे और इसे भी डबल लाइन करेंगे। एंड यहाँ मैं ब्लॉक ब्लॉक बनाऊंगी, जिसमें मैं फ्लावर से पूरा बॉर्डर बनाऊंगी पहले, उसके बाद मैं सेंटर में भगवान कृष्ण को बनाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले ही बना कर रखा है, आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर के लिए मैंने रखा है एंड ये मैंने आउटलाइन बना लिया है। मुझे जैसी पेंटिंग बनानी है उस तरीके से आप भी पहले आउटलाइन बना लें, उसके बाद पेंटिंग करें। अब आप इसे पेन से ड्रॉ कर लेंगे। डबल लाइन भी करना है आपको। ये भी आप डबल लाइन कर लेंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन क्लिक करना है। अब आप यहाँ मोती बनाएंगे, इसे भी आप डबल लाइन करेंगे। आप डबल लाइन करते जाएंगे और पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं फ्लावर बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। अब इसे आप डबल लाइन करके और सेंटर पार्ट को कचनी से भर ले, या आप आउटर लाइन को ब्लैक से फिल कर दें। इस तरीके से आप कचनी से भर देंगे और आप इस पार्ट को भी ब्लैक से फिल कर सकते हैं, तो आपका फ्लावर उठ के दिखेगा। इस तरीके से आप यहाँ भी बनाएंगे।
पूरा बॉर्डर इस तरीके से रेडी करेंगे। आप कलरफुल भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ऐसे आपको पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है। उसके बाद अंदर के पार्ट को भी हाईलाइट करेंगे और पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट ये बॉर्डर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे कचनी करके फिल कर देंगे। ये बॉर्डर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कृष्ण भगवान को बनाएंगे या आप आउटर लाइन कर लें। इस तरीके से मैंने पर्दा बनाया है। इसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी कंप्लीट कर लें। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आप थोड़े डिजाइन डाल देंगे। आप चाहे तो कलर फिल भी कर सकते हैं।
तरीके से पर्दे का लुक देंगे। इस तरीके से पर्दे का लुक देकर कंप्लीट कर देंगे। ये डिजाइन आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब मैं इसे डबल लाइन कर लूंगी। डबल लाइन हो गया। अब यहाँ आप डिजाइन डालेंगे। इसे अच्छे से आप डेकोरेट कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर लाइन हो गया। अब आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर देंगे कि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है पर्दा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अब आप एक एक करके आउटलाइन को बोल्ड करेंगे और पेन से बनाएंगे और डेकोरेट भी करेंगे। इस तरीके से आपको बनाना है और यहाँ भी कुछ मोटिव आप बनाएंगे, देखने में ये अच्छा लगे।
इसे कचनी से भर देंगे। यहाँ भी आप रस्सी बनाएंगे जो कि घड़े को होल्ड किया हुआ है। इसे आप कचनी कर लेंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। इसे आप डिजाइन भी डालेंगे आप। इसे घड़े को आप डेकोरेट करेंगे कि देखने में अच्छा लगे। कुछ इस तरीके से ये मैंने यहाँ कचनी भी कर लिया है। अब आप सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पूरे घड़े में आपको डिजाइन करना है और इसे डेकोरेट करना है। यहाँ भी आप कचनी कर लें। ये थर्ड एंड लास्ट मोटिव बनाएंगे। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका घड़ा कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ थोड़ी माखन गिरते हुए भी दिखाएंगे। मैं नीचे बने घड़े को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़े माखन गिरता हुआ दिखाएंगे। इसे भी आप अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे।
ये डबल लाइन मैंने लिया है, इसमें मैं मोटिव बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट किया। मैं आउटर लाइन बोल्ड रखूंगी। अब आप कृष्ण भगवान को बनाएंगे। मैंने रेफरेंस के लिए आउटलाइन पहले से लिया हुआ है, आप भी ज़रूर लेना, अदरवाइज आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। मैंने आँख बना दिया, आईब्रो बना दिए। मैंने नोज बनाया है। मैंने लिप्स बना दिए। देख सकते हैं नटखट गोपाल काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। आप और भी अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे कि आपके नन्हे गोपाल और भी अच्छे दिखें। आप मुकुट बना देंगे। मैंने हेयर बनाया है। मुकुट को थोड़ा डेकोरेट करेंगे कि देखने में अट्रैक्टिव लगे। इस तरीके से आप मुकुट कंप्लीट करेंगे।
यहाँ आपको हेयर दिखाना है। यहाँ आप मोर के पंख बनाएंगे। का पंख भी रेडी हो गया। अब आप हैंड बनाएंगे। इस तरीके से हाथ बना लेंगे। इस तरीके से आपको हाथ में भी आभूषण पहनाने हैं। यहाँ से मैंने दुपट्टा डाला हुआ है, वो आउटलाइन आप दिखाएंगे। यहाँ से आप माखन गिरता हुआ भी दिखाएंगे। ये आप गले का माला बनाएंगे। इस तरीके से आपको बनाने हैं। आप पूरा ऑप्शन से आप डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ आप कृष्ण भगवान की बांसुरी बनाएंगे।
उसे भी आप डेकोरेट कर देंगे अच्छी तरीके से। पूरी अच्छी तरीके से आप डेकोरेट कर लें, इनकी पोशाक को भी आप अच्छी तरीके से बना लें। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये पेंटिंग रेडी हो चुकी है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप भी ट्राई करिए मेरी पेंटिंग देखकर बनाने का, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए आपने कैसी पेंटिंग बनाई। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी पेंटिंग को रिव्यू करके। एंड हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।